नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। पाकिस्तान में लोगों के लिए सऊदी अरब जाना मुश्किल हो गया। सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानी हैं और अब हज का भी समय आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने फाइजर वैक्सीन लगवाई हो, लेकिन पाकिस्तान में उसके सदाबहार दोस्त चीन की वैक्सीन यूनोफार्मा लगाई जा रही है। जो चीन की वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें सऊदी अरब अपने यहाँ आने नहीं दे रहा है। चीन की वैक्सीन पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान काम के लिए जा रहे हैं या हज यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। पाकिस्तानी गृह मंत्री ने सऊदी राजदूत से इस मामले में मदद करने को भी कहा, लेकिन सऊदी सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा इस मामले को लेकर लगातार बात जारी है। उन्होंने सऊदी अरब सरकार से कहा वो अपने रुख में बदलाव करे। हालांकि WHO ने चीन की दोनों वैक्सीन को अनुमति दे दी थी, इसके बावजूद चीनी वैक्सीन संदिग्ध स्थिति में बनी हुई है। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।